पिताजी मुंबई में होम्योपैथिक का बहुत डिमांड था, आज भी है। तो 1973 में मैं पिताजी के साथ जब 10 साल का था तो मुंबई आ गया, और उसके बाद मेरे बांसुरी के गुरु की भी प्राप्ति मुंबई में हुई। और मुंबई में काफी स्ट्रगल भी किया मैंने। ये सफर तो एक इंटरव्यू में बताना बहुत मुश्किल है, बड़ा लंबा सफर है, मगर हाँ, इस शहर ने बहुत कुछ, एक वैरायटी ऑफ लाइफ जो बोलते हैं, वो मुझे इस शहर में मिला। ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन भी मैंने बम्बई आने के बाद 1980-81 के बीच में मैं जीता, और उसके बाद आरडी बर्मन साहब मुझे पंचमदा फिल्मों में बजाने के लिए आमंत्रित किया उन्होंने, क्योंकि मैं बचपन से सिर्फ क्लासिकल ही बजा रहा था, तो फिल्मों में कभी बजाऊंगा ये मैंने सोचा नहीं था। मगर फिल्मों में, जैसे आप जानते हैं, बहुत यादगार गाने मैंने बजाए। और बम्बई में जगजीत सिंह जी के साथ बहुत मेरा काम, सैकड़ों गजल मेरे बजाए हुए हैं। तो बम्बई में एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन म्यूजिकली भी ये शहर है कि जिसमें तरह तरह के जॉनर्स और तरह तरह के म्यूजिशियंस मिलते हैं, जिसमें एक म्यूजिशियन की यात्रा बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ती है। जी हाँ, पंचमदा के साथ तो मैंने सैकड़ों गाने किशोरदा के साथ भी बजाए, और उनके वहां जाके मैंने फिल्म संगीत ही नहीं बल्कि एक कोलैबोरेशन, एक सुपर जीनियस जिसको आज भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं और कभी भूलेंगे नहीं, तो आखिरी गाना मैंने उनके साथ बजाया था। उसके बाद पंचमदा उसके सक्सेस को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। वो था 1942 लव स्टोरी, कुछ ना कहो, तो मैं एक लाइन बजा के इतने सुंदर वार्तालाप जो आज आपसे हुई उसका अंत इसी गाने से कर रहा हूं।